नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आधा लीटर दूध में से 2.5 लीटर आइसक्रीम कैसे बनती है वो ट्रिक सिखाने वाली हूँ। अगर आपने ये ट्रिक को ध्यान से फॉलो किया और जो मैंने बताया वो इंग्रेडिएंट्स यूज किया तो आप 1.5 लीटर दूध में से 2.5 लीटर आइसक्रीम बना पाएंगे। मैं आपको ये सारी रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ सिखाने वाली हूँ। इस प्रकार घर पे आइसक्रीम बना के आपके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए 1.5 लीटर दूध में से 2.5 लीटर आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया है 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क। आइसक्रीम बनाने के लिए फुल फैट मिल्क लेंगे तो उससे आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनती है। इसमें से पहले मैं थोड़ा सा दूध निकाल लेती हूँ। अभी ये जो बचा हुआ दूध है इसमें मैं 10 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ और इसे मैं अभी गैस के ऊपर, स्लो गैस के ऊपर, शक्कर जब तक पिघलेगी तब तक हम इसको गर्म करेंगे। आप गैस का आंच एकदम धीमा रखिए, ऐसे बीच बीच में इसको स्टर करते रहिए। अब हम इसका बाकी का मिश्रण बना लेते हैं। ये जो हमने पहले दूध निकाला था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये GMS पाउडर है। ये GMS पाउडर से हमारा आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनेगा। GMS पाउडर बहुत सी बेकरी आइटम्स में यूज़ होता है, जैसे कि ब्रेड है, बिस्किट है, केक्स है, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, क्रीम है, ईस्ट है, इन सब में ये GMS पाउडर यूज़ होता है, जिसे इमल्सिफायर भी कहा जाता है। ये मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून। ये CMS पाउडर है, जिसे एलजी नट भी कहा जाता है। ये आइसक्रीम को पिघलने से रोकता है और ये भी एक स्टेबिलाइजर का काम करता है। ये मैंने लिया है 1/8 टीस्पून। अब हम इस सारी चीज़ों को अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई भी गांठे नहीं है और ना ही कुछ क्रम्स है। अभी हम शक्कर का मिश्रण चेक कर लेते हैं। हमारा शक्कर अच्छे से घुल गया है। आंच को बंद कर दीजिए। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, जब आपका शक्कर घुल जाए तभी हम ये मिश्रण डालेंगे। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं कि हमारा बेस बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता है। आप ये बेस को अच्छे से चेक कर लीजिए। इस बेस से बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनती है। मिश्रण को मिक्स करने के बाद में हम आँच को शुरू करेंगे और 1 या 2 उबाल आने तक इसको गर्म करेंगे। इसको कंटिन्यू स्टर करते रहिए, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, कॉर्नफ्लावर तुरंत नीचे चिपक जाता है, इसके लिए आप इसको हिलाते रहिए। फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि मैंने 10 टेबलस्पून शुगर डाला है, बहुत मीठा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आइसक्रीम 1.5 लीटर में से करीबन 2.5 लीटर बनेगा, जो बहुत ही फूलता है, जिसकी वजह से मिठास एकदम बैलेंस हो जाएगी। आप देख रहे हैं एक उबाल आ गया है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें रखना है। अगर आपने इसको ज़्यादा उबाल दिया तो बेस रबरी हो जाएगा। प्लीज़ आप कंसिस्टेंसी का ध्यान रखिए और अच्छा आइसक्रीम, बिल्कुल बहुत बढ़िया आइसक्रीम घर पर बनाइए। आप ये आइसक्रीम घर पे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। जब ये बेस ठंडा हो जाएगा तभी और गाढ़ा हो जाएगा, तो प्लीज़ आप ध्यान से इस बेस को देखिए। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसका कंसिस्टेंसी, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। हमें बिल्कुल ऐसा ही बेस बनाना है। अभी मैं इसको कंटेनर में भर रही हूँ। कंटेनर में भरने के बाद में मैं इसके ढक्कन लगा के इसको हम फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए सेट करेंगे। हमारा बेस बनके तैयार है। 8 घंटा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गया है। इसको हम छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। कभी भी इस बेस को आपको रूम टेम्परेचर पर ला के लिक्विड नहीं करना है, इसको ऐसे ही कड़क ही यूज़ करेंगे, तभी हमारा आइसक्रीम 1.5 लीटर में से करीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम हम बना पाएंगे। दोस्तों, हमने जिस प्रकार से ये बेस रेडी किया है, इसमें जो इमल्सिफायर यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से 1.5 लीटर दूध में से हम करीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम बना सकते हैं। मैंने एक बर्तन लिया है, ये करीबन मेरा 3 लीटर का दूध का बर्तन है। हम इसमें ये बेस डालेंगे। मैंने अपना सारा बेस बर्तन में ले लिया है।
कभी भी आप बेस को बीट करते हैं तभी इस प्रकार का इलेक्ट्रिक बीटर लीजिए, जिससे आपको आइसक्रीम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आइसक्रीम बहुत ही अच्छा फूल गया है। करीबन 3 मिनट के बाद आप बीटर को 1 मिनट के लिए बंद कीजिए। जब आइसक्रीम आधा लीटर में से करीबन 1.5 लीटर बन जाए, या तो फिर आपने जो आइसक्रीम का बेस लिया है वो 3 गुना हो जाए, तभी हम इसमें आधा कप नॉन डेरी क्रीम या घर की मलाई भी डाल सकते हैं। ये क्रीम हम केक, आइसिंग, डेजर्ट सबके लिए यूज़ करते हैं। मैंने वही क्रीम लिया है। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो आप आधा कप घर की मलाई भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये क्रीम थोड़ा सा बर्फ़ है और थोड़ा सा लिक्विड है। लिक्विड क्रीम नहीं लेना है, ऐसे थोड़ा सा जिसमें बर्फ़ का पार्ट हो वैसा क्रीम लेना है, जिससे आइसक्रीम का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये होने के बाद में अभी हम इसको बीट करना शुरू करेंगे। दो मिनट के बाद अभी मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। अगर वनीला एक्सट्रैक्ट आपके पास नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है। और ये आइसक्रीम करीबन आधा लीटर दूध में से ये करीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम बना है। वेनिला आइसक्रीम बनके तैयार है। अभी मैं इसको कुछ स्टोर करूँगी। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है और जो बहुत ही क्रीमी है, ये जितना क्रीमी है उतना ही स्वाद में लाजवाब है। अभी हम इसको स्टोर करेंगे। आप इसको कोई भी कंटेनर में डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका क्रीमीनेस, ये बिल्कुल बाहर मिलता हुआ वेनिला आइसक्रीम भी जैसा ही बना है। और जो हमने सिर्फ आधा लीटर दूध लेके बनाया है ढक्कन को बंद करके, इसे हम फ्रीज़र में 4 घंटे के लिए स्टोर करेंगे और हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगा। मैंने डार्क चॉकलेट लिया है, मैं उसे माइक्रोवेव में हाई टेम्परेचर पे 30 सेकंड के लिए गर्म कर रही हूँ। माइक्रोवेव में से बाहर निकालने के बाद आप देख सकते हैं चॉकलेट का एक अच्छे से मेल्ट हो गई है। प्लास्टिक का एक ग्लास है, इसमें मैं चॉकलेट अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। चॉकलेट का पहला लेयर अच्छे से सेट हो गया है, अभी हम इसमें दूसरा लेयर लगाएंगे। दोस्तों, चॉकलेट का गाढ़ा लेयर अप्लाई कीजिए। चॉकलेट के कप का ऊपर का हिस्सा अनइवन स्प्रेड कीजिए, ये बहुत ही सुंदर दिखता है। अब मैं इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख रही हूँ 2 मिनट के लिए। दोस्तों, हमारा चॉकलेट का कप अच्छे से सेट हो गया है, अभी हम धीरे से इसे अनमोल्ड करेंगे। थोड़ी सी सावधानी पूर्वक चॉकलेट के कप को निकालिए। दोस्तों, हमारा चॉकलेट का कप बहुत ही आसानी से प्लास्टिक से निकल आता है और ये देखिए कितना सुंदर दिखता है। कप का ऊपर का हिस्सा जो अनिवन हमने बनाया था वो बहुत ही सुंदर दिखता है। हमारा चॉकलेट का कप बनके तैयार है, अभी हम इसे सर्व करेंगे। मैं हमेशा अपना आइसक्रीम ऐसे ही अलग अलग तरीके से सर्व करती हूँ, जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। हम पहले बनाएंगे काला जामुन का आइसक्रीम। काला जामुन अभी बहुत ही सीजन में है और ये आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनता है। आप ऐसे काला जामुन ले लीजिए और उसे अच्छे से धो के साफ कर लीजिए, फिर उसके छिलके निकाल के उसको ऐसे छील लीजिए। एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, इसका एक भी बीच का कुछ भी हिस्सा आपके पीसेस में नहीं आना चाहिए। अगर ये इसका हिस्सा आपके पीसेस में आ गया तो आपका आइसक्रीम कड़वा हो जाएगा। ऐसे एकदम संभाल के उसको छीलिए। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी काला जामुन के पीसेस को इस तरह से रेडी करके रखा है। ये हमने 1 कप काला जामुन के पीसेस लिए हैं। अगर आप 1 कप काला जामुन के पीसेस लेते हैं तो आपको उसमें 2 टेबलस्पून शक्कर डालनी है। अभी मैं इसको पीस के इसका प्यूरी रेडी करूंगी। काला जामुन हमारा क्रश होके रेडी है। अब मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका लव कितना बढ़िया कलर है। आप ये आइसक्रीम घर पे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए।
दोस्तों हमारा जामुन का प्यूरी तैयार है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये बेस में से आइसक्रीम बना के रेडी रखा है। दोस्तों मैंने ये आइसक्रीम ऑलरेडी रेडी करके रखा है। आप हमारी वनीला आइसक्रीम वाली रेसिपी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी इस प्यूरी के अंदर मैं 2 कप ये प्रिपेयर किया हुआ बेस का आइसक्रीम डाल रही हूँ। मैंने सिर्फ इसमें आइसक्रीम का बेस ही रेडी किया है, मैंने ना ही इसमें कोई भी एसेंस डाला है। मैं और एक आपको तरीका, आसान तरीका बताती हूँ। आपने जितना क्रश लिया है उससे डबल आपको ये प्रिपेयर किया हुआ आइसक्रीम लेना है। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए मेजर करना। अभी हम इसको बीट कर लेंगे। दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है। ये इतना सुंदर दिखता है और टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया है। आप ये आइसक्रीम ट्राई करिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अब ये मैं तैयार किया हुआ आइसक्रीम कंटेनर में डाल रही हूँ। आप ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम एक ही बेस में से बना सकते हैं। दोस्तों हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है। अभी मैं इसे फ्रीज़र में चिल्ड होने के लिए करीबन 6 से 7 घंटे रखूंगी और फिर हमारा आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। अभी हम चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हैं। मैंने 3 कप रेडी किया हुआ बेस आइसक्रीम लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर। मैं हमेशा डच कोको पाउडर यूज़ करती हूँ। डच कोको पाउडर मतलब एक्स्ट्रा डार्क कोको होता है, उसको डच कोको पाउडर बोलते हैं। और इसके अंदर 1/4 कप डार्क चॉकलेट फ्लेक्स वो मैं डाल रही हूँ। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से बीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। दोस्तों ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर से इसे बनाइए और मुझे अपने अनुभव शेयर कीजिए। इसको मैं एक कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। मैंने आइसक्रीम को डब्बे में भर दिया है। अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ करीबन 6 से 7 घंटे के लिए और बाद में हम इस आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट का आइसक्रीम बनके रेडी है। अभी हम कॉफ़ी आइसक्रीम बना रहे हैं। मैंने 3 कप आइसक्रीम का बेस लिया है बीट किया हुआ, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। मुझे ये आइसक्रीम थोड़ा बीटर पसंद है, अगर आपको ऐसा लगे तो आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा आइसक्रीम ये कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाला अच्छा लगता है। 1/4 कप चॉकलेट फ्लेक्स, मैंने डार्क चॉकलेट लिया है। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से बीट कर लेंगे। दोस्तों हमारा कॉफ़ी का आइसक्रीम बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है ये। मैं इसको कंटेनर में डाल रही हूँ। हमारा कॉफ़ी आइसक्रीम बनके तैयार है। अभी मैं इसको फ्रीज़र में स्टोर कर रही हूँ। हमारे सारे आइसक्रीम्स बनके तैयार हैं जिसे हमने आइसक्रीम के बेस में से बनाए थे। आप इन रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।